गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा पांचवी हिंदी प्रथम का पाठ 10 एक लड़की जिसे किताबों से नफरत थी ये कहानी है जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए, नाम से हमें पता चल रहा है कि एक ऐसी लड़की की कहानी है जिससे कि किससे नफरत थी, बुक से यानी किताबों से नफरत थी। तो इस कहानी में हम देखते हैं कि उसको किस वजह से नफरत थी और आगे उसके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन होता है कि वो कहानी पढ़ ये किताबें से उसको प्रेम हो जाता है। तो किताबों से हमें मित्रता करनी चाहिए, ऐसे गुण हमें इस कहानी में समझाया गया है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इस कहानी में हमें क्या बताया जा रहा है। ये देखिए, एक लड़की थी जिसका नाम था मीना। अगर आप किसी शब्दकोश में मीना का अर्थ खोजेंगे तो आप पाएंगे कि मीन का मतलब मछली और मीना का अर्थ नीले रंग का एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर होता है। पर मीना को इसके बारे में कुछ पता नहीं था क्योंकि उसे किताबें पढ़ने से नफरत थी। अब एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, मीना। तो उसको अपने सही पूछे तो उसको अपने नाम का अर्थ भी नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि उसे किताबें पढ़ने से नफरत थी। अगर वह किताबें पढ़े तो वह जाने कि उसके नाम का क्या अर्थ है। तो मीन का अर्थ होता है मछली और मीना, अपन कहते हैं ना कि ऐसे रंग का मीना, सफेद रंग के मीने में मतलब मेरी अंगूठी गड़ी हुई है, या अंगूठी में नीले रंग का मीना है, लाल रंग का मीना है। तो नीले रंग का एक प्रकार का बहुमूल्य पत्थर है जिसे हम क्या बोलते हैं, मीना। किताबें हमेशा बीच में अड़ंगा डालती, वह ऐसा कहती थी। तो किताबें उसको अड़ंगा डालने वाली चीज लगती थी, यानी किसी काम में बाधा प्रकट करने वाली चीज लगती थी। शायद उसकी बात ठीक भी थी क्योंकि उसके घर में हर जगह किताबें ही किताबें थी। जहां देखो वही किताबें, दराज में किताबें, अलमारी में किताबें, सोफे पर किताबें, मेज पर किताबें, पलंग पर किताबें, फ्रिज के ऊपर किताबें, और यहाँ तक कि कुछ कमरों में पूरे फर्श पर किताबें ही किताबें। अब मीना को किताबों से नफरत क्यों हो गई थी? क्योंकि उसके घर में उसे सब चारों तरफ हर जगह किताबें ही किताबें दिखाई देती थी। इसलिए वह उन किताबों को देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल यानी असुविधाजनक महसूस करती थी, है ना। इसके अलावा एक बात और मीना को परेशान करने वाली थी, उसके माता पिता रोजाना नई नई किताबें लाते थे। अब उनके माता पिता को किताबों का शौक था तो यह चीज उसको अच्छी नहीं लगती थी कि उसके माता पिता हर दिन नई नई किताबें लाते थे। वे किताबें खरीदते, दोस्तों से मांगते और लाइब्रेरी से भी लाते थे, नाश्ते के समय, दोपहर के खाने के समय और फिर रात के भोजन के समय भी वे किताबें पढ़ते रहते थे। अब उसके माता पिता को क्या था, किताबें पढ़ने का शौक था तो वे हर समय किताबें ही पढ़ते रहते थे। ऐसा नहीं है कि वे अपनी बेटी को बिल्कुल समय नहीं देते थे, वे उसे भी समय देते थे और चाहते थे कि उनकी बेटी किताबों से उनकी तरह ही प्रेम करने लगी। लेकिन मीना पर इसका कोई असर नहीं होता था। वह जब कभी भी वे मीना से पूछते कि क्या वह कोई किताब पढ़ना चाहेगी तो वह अपने पैर पटकते हुए चिल्लाती और कहती, मुझे किताबों से नफरत है। उसके माता पिता उसे किताबें पढ़कर सुनाने की कोशिश करते तो भी वह यही वाक्य दोहराती। यानी उसके माता पिता उसको बहुत कोशिश करते कि वो उसको किताबों से प्रेम करवा सके, लेकिन वह किताबें पढ़ना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। घर में कोई और भी था जिसे मीना से भी ज्यादा किताबों से नफरत थी और वह थी मीना की बिल्ली मैक्स। अब यहाँ पर बताया गया है कि मीना की जो बिल्ली थी मैक्स, उसे भी किताबों से बहुत ज्यादा नफरत थी। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैक्स छोटी थी तब एक भारी एटलस उसकी पूंछ पर गिर गई थी जिससे उसकी पूंछ टेढ़ी हो गई थी। उस दिन से मैक्स अक्सर किताबों के ढेर के ऊपर से ऊपर ही बैठती थी या फिर कुछ पसंदीदा जगहों पर कुछ समय आराम करती थी। एक दिन की बात है कि मीना की मम्मी पापा बाहर गए हुए थे। मीना ने अपने और मैक्स के लिए नाश्ता बनाया और मैक्स को पुकारा, मैक्स नाश्ता तैयार है, लेकिन मैक्स नहीं आई। अब मीना ने उसे ढूंढना शुरू किया, टब के पास, वॉशिंग मशीन के पीछे, सीढ़ियों के नीचे, न जाने कितनी जगह मीना ने मैक्स को खोजा पर मैक्स नहीं मिली। तभी उसे ध्यान आया कि अब देखिए, शब्द पिटारा बहुमूल्य का अर्थ होता है कीमती, अड़ंगा यानी बाधा प्रकट करना, एटलस यानी नक्शों की किताब। तो ये नक्शों की किताब है वो उसकी पूंछ पर गिर गई थी। तब से उसको मैक्स को किससे नफरत हो गई थी, बुक्स से नफरत हो गई थी, किताबों से नफरत हो गई क्योंकि उसकी बेचारी पूंछ टेढ़ी हो गई थी तो किताबों से उसको नफरत हो गई थी। अब देखिए, मैक्स है वो उसको जगह जगह ढूंढती है, फिर आगे देखो मैक्स उसको कहाँ मिलती है।
मैक्स किताबों के ढेर के ऊपर सोई हुई हो सकती हैं। अभी वह सोच ही रही कि थी कि तभी उसे मैक्स की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनाई दी। आवाज डाइनिंग रूम से आ रही थी। मीना डाइनिंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि मैक्स किताबों के ऊंचे ढेर के ऊपर फंस गई है। इस ढेर में वे सब किताबें थी जिन्हें मीना के मम्मी पापा ने बड़े लाड से उसके लिए खास तौर पर खरीदा था, परंतु मीना ने उन्हें कभी खोला तक नहीं था। प्रयोग में न लिए जाने के कारण इन सभी पुस्तकों पर धूल जमी हुई थी। मैक्स, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी वहां से नीचे उतारती हूँ। मीना ने मैक्स को नीचे उतारने के लिए पुस्तकों के टीले के पास एक कुर्सी लगाई। वह उस पर चढ़ी किंतु किताबों के टीले पर जहां मैक्स थी वहां तक नहीं पहुंच सकी। वह पंजों के बल खड़ी हुई थी और उसने हल्का सा किताबों के टीले का सहारा लिया हुआ था। ऐसा करने से उस टीले में से किताब निकल गई, इससे मीना का संतुलन बिगड़ गया। वह और मैक्स किताबों के साथ तेजी से नीचे की ओर फिसले। अब देखिए शब्द पिटारा, खास तौर का मतलब विशेष रूप से। अब आगे देखिए मीना के साथ क्या होता है। वह धड़धड़ाने की आवाज सुनाई दी और सारी किताबें इधर उधर उड़ने लगी। पहली बार किताबें खुली और उनकी पन्ने पलटने लगे और जैसे ही ऐसा हुआ एक बड़ी अजीब सी बात होने लगी। किताबों में से कहानियों के पात्र और जानवर निकलने लगे। उनमें राजकुमार और राजकुमारियां थीं, परियां थीं, तोते थे, मैना थी। किताबों में से ही एक भेड़िया और तीन सुअर आए। उनके पीछे एक बूढ़ी औरत और बैंगनी रंग का जिराफ भी आया। बोनी आए, स्नो वाइट आई, गुलीवर आया, स्पाइडरमैन आया, हैरी पॉटर आया, चाचा चौधरी और साबू भी आए, बंदर और मगरमच्छ, खरगोश और कछुआ, नीला सियार, गिलहरी और कौवा आए। पूरा कमरा इन प्यारे पात्रों से भर गया। मीना उन सबके बीचों बीच बैठी थी। उसे हिलते डुलते हुए भी डर सा लग रहा था। मुझे तो लगता था कि किताबों में सिर्फ शब्द होते हैं, पर यहाँ तो किताबों के घरों से निकल सारे के सारे पात्र हुड़दंग मचा रहे थे। अब तो डाइनिंग रूम को पहचान पाना ही मुश्किल था। यह सब बंद करो, वापिस जाओ, मीना चिल्लाई, परंतु कमरे में इतना शोर शराबा मचा हुआ था कि किसी को मीना की आवाज सुनाई ही नहीं दी। तभी मीना के पास एक खरगोश आया। उसकी किताब पास में ही पड़ी थी। मीना ने उसे पकड़कर किताब में भरना चाहा। यह खरगोश को अच्छा नहीं लगा और वह किसी तरह अपनी गर्दन छुड़ाकर भाग गया। मीना ने एक किताब खोली तो उसमें से चार बत्तखों ने निकलकर भागना चाहा, किंतु मीना ने किताब बंद कर दी और वे किताब में ही रह गए। इससे काम ना होगा, मीना ने कहा, मुझे तो यह भी नहीं पता कि कौन सा जानवर किस किताब में जाएगा। फिर उसने एक मिनट के लिए कुछ सोचा। वह खुद से बोली, अब मुझे समझ में आया, अब मैं हर जानवर से पूछूंगी कि वह किस किताब में जाएगा। मीना ने एक विचित्र जीव से मुलाकात की। तुम कौन हो, मीना ने पूछा। वह अंग्रेजी का पहला वर्ण ए आर्डवॉर्क था। उस जानवर ने थोड़ी नाराजगी दिखाई और वह पैर पटकते हुए वर्णमाला वाली किताब में चला गया। मीना को अब एक भेड़िया दिखा जो डाइनिंग टेबल के नीचे बैठा सिसकी भर रहा था। वह अपनी किताब से बिछड़ गया था। पूछने पर भेड़िए ने कहा, अब वह कहाँ जाए। पर मीना उस भेड़िए की कोई भी मदद नहीं कर पाई क्योंकि मीना ने सभी कहानियां पढ़ी ही नहीं थी। अब मीना ने कहानियां पढ़ी नहीं थी तो वह उसको कैसे उसके घर तक पहुंचाती। तभी मीना के दिमाग में एक बात आई। उसने पास रखी एक पुस्तक उठाई और उसे जोर जोर से पढ़ने लगी। बहुत पुरानी बात है, मीना ने पढ़ना शुरू किया। किसी दूर दराज के देश में धीरे धीरे सारे जानवरों ने कूदना, नाचना, शोरगुल, शब्द पिटारा देखी, अजीब यानी अनोखी, हुड़दंग यानी शैतानी या उद्दम मचाना, विचित्र यानी अनोखा, सिसकी यानी रोते समय सिसकने की आवाज, दूर दराज यानी जो बहुत दूर हो, दूरवर्ती। अब आगे देखिए क्या होता है चैप्टर में। तो सभी जानवरों ने क्या हुड़दंग मचाना बंद कर दिया। वे सब मीना के पास आकर कहानी सुनने लगे। मीना जिस जिस जानवर की कहानी पढ़ती वे अपनी कहानी के बारे में बता देते और मीना उन्हें अपनी किताब में पहुंचा देती। धीरे धीरे मीना ने सारी किताबें पढ़ डाली और धीरे धीरे सारे जानवर अपने सही पुस्तक में चले गए। अंत में कमरे में नीली जैकेट वाला एक खरगोश बाकी बचा। अब मीना ने पीटर खरगोश वाली किताब उठाई, किंतु वह सोचने लगी कि काश यह खरगोश यहीं रह जाए, किंतु वह भी अपने घर जाना चाहता था। उसको उदास देखकर मीना ने उसकी कहानी खोल दी, किताब खोल दी और वह खुशी खुशी किताब में चला गया। अब घर में शांति थी। मैक्स किताबों में छोटे से ढेर पर बैठकर जीभ से अपना चेहरा चाट रही थी।
किताबों के पात्रों के चले जाने से मीना को कुछ अधूरा सा लग रहा था, इतने ही देर में वे उसे अच्छे लगने लगे थे। मीना ने दुख भरी आवाज में कहा, अब मुझे इन जानवरों को दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। पर तभी उसे ध्यान आया कि वे सारी किताबें तो अब भी उसके पास ही हैं। यह सोचकर वह बहुत मुस्कुराई और फर्श पर पड़ी किताबों से कहने लगी, तुम बहुत प्यारी हो किताबों, मैं तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करती हूँ। उस रात जब मीना के माता पिता वापिस आए तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि मीना सारी किताबों के बीचों बीच बैठी है और वह सच में एक किताब पढ़ रही है। तो कितनी अच्छी कहानी लगी हमें बच्चों। इस कहानी में हमें क्या समझाया गया है? कहानी में हमें समझाया गया है कि हमें किताबों से प्रेम करना चाहिए, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए। किताबों में अलग अलग पात्र होते हैं जो हमें मतलब मनोरंजन तो करते ही है, साथ में हमें जीवन जीने की कलाएं सिखाते हैं और विभिन्न जो परिस्थितियां होती हैं उनसे हमें अवगत कराते हैं, किस कठिनाई से हमें कैसे गुजरना है। इन सब की सीख हमें किससे मिलती है? किताबों से मिलती है। तो किताबों का महत्व तो समझाना ही इस चैप्टर का मूल उद्देश्य था। तो बच्चों आपने एक कहानी को पढ़ लिया, इसका एनिमेटेड वीडियो और पीडीएफ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।